सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। ये है हमारी हंडा एमेज न्यू मॉडल पेट्रोल पेट्रोल गाड़ी दोस्तों। दोस्तों इसमें दोस्तों दिक्कत ये है दोस्तों कि कस्टमर बता रहे हैं गाड़ी हमारी हीट कर रही है और हमारा जो है एसी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। दोस्तों हमने देखा, पहले तो आप थर्मोस्टेट के पास हमने लीकेज कर देखा दोस्तों, कूलेंट का लीकेज तो नहीं कहीं से कर रहा है दोस्तों, क्योंकि बॉटल में कूलेंट दोस्तों बहुत ही कम है, नहीं है दोस्तों। खींच लिया है कस्टमर रेडिएटर ने कूलेंट को दोस्तों, अब रेडिएटर में हम देखने वाले हैं कि नहीं दोस्तों। कस्टमर बता रहे थे 2-3 लीटर पानी हमने मिला के लाए हैं गाड़ी यहाँ पर, यहाँ तक दोस्तों हमने चेक किया, कहीं भी लीकेज नहीं है दोस्तों। पंखा इसका नहीं चल रहा है दोस्तों, दोस्तों इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। हमने देखा कि कोई लीकेज तो नहीं है दोस्तों, लीकेज नहीं है यहाँ पर, लीकेज नहीं है पाइप में दोस्तों। और इसका 2-3 लीटर कूलेंट दोस्तों ओवर हीट कर रही है, तो दोस्तों कूलेंट जो है जल जाता है दोस्तों, वेपर दोस्तों हमारा फॉल्ट मिल चुका है। देखिए दोस्तों चूहे ने इसकी काफ़ी वायरिंग काट दी है दोस्तों, रेडिएटर की मेन वायरिंग चूहे ने दोस्तों बुरी बहुत बुरी तरह से काट दी है दोस्तों। ये सारी वायरिंग इधर से आई हुई है दोस्तों, रेडिएटर में गई हुई है, 3-4 चीज़ों की वायरिंग एक ही में मिली हुई होती है दोस्तों। सो गाइस ये हमारा सेंसर है, रेडिएटर सेंसर दोस्तों, इसलिए हम इसको ईसीटी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दोस्तों, जिसकी वायरिंग कटी हुई है दोस्तों, तो ये टेम्परेचर अपना नहीं बता पा रहा है ईसीएम को दोस्तों, और ये फ़ैन नहीं चल पा रहा है दोस्तों। इस कारण से गाड़ी हमारी ओवरहीट कर रही है और एसी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों फ़ैन, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में एक ही फ़ैन है, दोनों एक ही फ़ैन से चल रहे हैं दोस्तों, एसी और हीटिंग दोस्तों एक ही फ़ैन से दोनों दिक्कत हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों वायरिंग आपको रिपेयर करनी है तो जितने मोटे तार लगे हुए हैं उतने मोटे आपको तार लगाने हैं दोस्तों, और अगर उसी कलर का तार मिल जा रहा है तो उसी कलर का आपको लगाना है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से वायरिंग जोड़नी है, अगर जिस कलर का वायर है दोस्तों उसी कलर का आपको लगाना है अगर मिल जाए तो। देखिए दोस्तों हमने उसी कलर का वायर लगाया है जिस कलर का इसमें लगा हुआ है, और जितने मोटे तार दोस्तों लगे हुए हैं उतने मोटे हमको मिल गए, इसलिए हमने उतने मोटे उसमें दोस्तों लगाया हुआ है दोस्तों। देखिए अच्छे से हमने टैपिंग कर दी है इसको, अच्छे बहुत अच्छे से टैपिंग करनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने अच्छे से वायरिंग पूरी टेपिंग कर दी है और इसको क्लिप भी लगा दी है, प्लास्टिक की जो होल्डिंग क्लिप है उससे दोस्तों टाइट कर दिया है, फिक्स कर दिया है एक जगह दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने ईसीटी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग और फ़ैन की वायरिंग और एसी की वायरिंग, जो कि दोनों दोस्तों उसी चलते हैं दोस्तों। इस गाड़ी में कूलेंट हीट कर रही थी गाड़ी दोस्तों, इसलिए कूलेंट दोस्तों कम हो रहा था दोस्तों। देखिए रेडिएटर में कूलेंट कम भी है और बोतल में भी हमारा दोस्तों जो है कम हो गया था, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम कूलेंट भी डालने वाले हैं दोस्तों, कूलेंट हमने पूरा ऊपर तक रेडिएटर में फिल कर दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हमारा कूलेंट खींचता है, कम होता है तो, और ज़्यादा होता है तो दोस्तों इसी बोतल में आ जाता है दोस्तों। बोतल में दोस्तों देखिए कूलेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट कर दी तो कूलेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया था दोस्तों, उसको भी हम भरने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों बोतल में निशान बने होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम दोस्तों इन निशान के ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, आपको पूरी बोतल नहीं भरना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा फ़ैन चल चुका है दोस्तों, वायरिंग रिपेयर हो गई है दोस्तों, गाड़ी ओवर हीटिंग भी नहीं कर रही, हमने चेक कर लिया है दोस्तों। और दोस्तों ये लाइट आ रही थी MIL, देखिए दोस्तों इसको भी क्लियर करने का आपको बताते हैं दोस्तों। पर दोस्तों करना क्या है, आपको माइनस का तार दोस्तों कुछ सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए दोस्तों माइनस का बैटरी टर्मिनल आपको खोल देना है। देखिए दोस्तों लाइट आ रही है MIL लाइट, माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट दोस्तों। वायरिंग कटी थी, गाड़ी ओवरहीट कर रही थी, इसीलिए दोस्तों ये लाइट आ रही थी, क्योंकि ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर की वायरिंग कटी थी दोस्तों। देखिए बैटरी का तार हमने लगा दिया और लाइट हमारी जा चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने बैटरी का तार दोस्तों लगाया वैसे ही हमारी लाइट दोस्तों चली गई है। देखिए हम गाड़ी को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद भी दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, ECT कूलेंट टेम्परेचर की वजह से दोस्तों लाइट आ रही थी दोस्तों। देखिए हमारा AC भी प्रॉपर काम करने लगा है और गाड़ी ओवरहीट नहीं कर रही है, हमने ड्राइव करके देख लिया दोस्तों 3-4 किलोमीटर दोस्तों। कस्टमर काफ़ी परेशान थे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।